हमारी ऐसी कंठ में ऐसी कुछ रचना है जिसके कारण से हम आवाज और ये शब्द रूप में ऐसे बोलते हैं। तो ये जो हमें अंगोपांग की रचना हुई है, ये अंगोपांग की रचना इसके कारण से हम बोलते हैं। यहाँ कह रहे कि अकेले उस अंगोपांग नामक नाम कर्म ही निमित्त नहीं है, उसके साथ और भी कुछ निमित्त है। वो क्या निमित्त है? और हाँ, उसको जल्प कहते हैं कि नहीं कहते पता नहीं है। सहज खेती है, अवधई की होकर के भी क्षाई की मानी गई है, ऐसी वो सहज है। अब उसको जल्प में कैसे लेंगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वचन है तो ये सारे निमित्त तो उसमें भी बनते हैं। योग के रूप में तो वचन योग कहते ही है, भवी भागण वच जोगे वशा है, वचन योग के निमित्त से। तो वचन योग तो निमित्त बनता है, लेकिन ये वाणी इस रूप में जल्प कैसा कहते हैं, अंतर जल्प बहिर्जल्प ये नहीं बता सकते। वचन योग में ये जरूर है, उभय अनुभय, सत्य वचन असत्य वचन, उभय वचन और अनुभय वचन। और उनके वचन कैसे हैं? मेरे ख्याल से अनुभय कहे गए हैं, माने सत्य और असत्य अनुभय, ऐसा या उभय या अनुभय कहा गया। तो जल्प के बारे में भी ध्यान नहीं है, अभी बताएंगे देख करके। मैंने इसमें निमित्त क्या बन रहा है, भाववाक तावत वीर्यांतराय मति श्रुत ज्ञानावरण क्षोक्षम, ये भी उसके साथ जोड़ा है, ये मुझे कहना है। अंतराय कर्म का भी क्षोक्षम चाहिए और मति श्रुत ज्ञानावरण का क्षोक्षम भी चाहिए, तब वाणी बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। स्वरयंत्र है लेकिन क्या बोलना, कौन से शब्द बोलना, वो आपके उस प्रकार से बुद्धि हो, और वो बुद्धि के साथ साथ तो हर जगह वीर्यांतराय लगा ही है, अंतराय क्रम का क्षोभम बराबर हर के साथ लगा ही है, वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में भी लगा रखा है उसके साथ साथ। वैसे तो हर कार्य में अपनी शक्ति सामर्थ्य लगती है तो वीर्यांतराय का क्षोभम रहता ही रहता है, चारित्र में भी वीर्यांतराय का क्षोभम है उसके साथ साथ। जिसमें अंतराय क्रम में मोक्ष और प्रकाशक में क्या लिया ध्यान है, प्रव्रज्ञा दीक्षा लेने का सामर्थ्य अंतराय के क्षोभम से आता है, माने वो उसको वो चारित्र के साथ भी उसे जोड़ा है अंतराय के क्षोभम को। तो यहाँ भी भाव वचनों के लिए ये अंतराय कर्म का क्षोभम और श्रुत मति ज्ञानावरण का क्षोभम भी जरूरत है, फिर उसके साथ अंगोपांग नामक जिसके कारण से रचना बनी हुई है, ये इनके निमित्त से चूंकि भाव वचन होते हैं इसलिए उसको पौद्गलिक कहा गया। तो पौद्गलिक कहा तो ये अंगोपांग की रचना तो पुद्गल की हो गई, नाम कर्म के निमित्त अंगोपांग नाम कर्म के निमित्त से जो रचना हुई वो पुद्गलिक हुई, लेकिन अंतराय मति श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभम से जो हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ तो उस जीव में बोलने की योग्यता आई, इस तरह बोलने की योग्यता, क्या बोलेगा कैसे शब्द बोलेगा ये सब उसके क्षोभम के ऊपर है। अच्छा क्षोभम है तो अच्छा बोलता है, क्षोभम ही नहीं हो उस प्रकार का नहीं बोल पाता है। लेकिन वह क्षोभम से होने वाली योग्यता चूंकि क्षोभम पुद्गल कर्म का है इसलिए उसको भी पौद्गलिक कह रहे हैं, इस दृष्टि से भाव वचनों को पौद्गलिक कहा। तद अभावे तद वृत्ति अभावात, यदि ये चारों नहीं हो तो वचन की प्रवृत्ति नहीं होगी। चार कौन कौन से? वीर्यांतराय मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण, ये तीन का क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म का उस प्रकार का उदय लाभ, तब जाकर के जो प्राप्ति हुई ये हो तो ही वचन बोले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं बोले जा सकते। तत्सामर्थ्योपेतेन क्रियावता आत्मना प्रेर्यमाना पुद्गला वाक्त्वेन विपरिणमन्ते इति द्रव्यवागपि पौद्गलिकी श्रोत्रेन्द्रिय विषयत्वात्। अब कहते ये भाव वचन ये तो उसके पीछे जिनका उदय हुआ कर्मों का वे पुद्गल है इसलिए भी पुद्गलात्मक हो गए, और द्रव्य वचन जब ऐसी योग्यता होती है तब उसके सामर्थ्य से क्रियाशील आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर पुद्गल वचन रूप से परिणमते हैं,
माने भाषा वर्गना परिणम रही है तो उसमें ये सभी चाहिए। बोलने में कौन सी ताकत लगती है, बोलने का काम करने वाले ऐसा लगता है तो बैठे बैठे कोई काम नहीं है। मजदूर मजदूरी करता है, बहुत मेहनत करता है, और अध्यापक पढ़ाने वाले क्या मेहनत है, बैठे बैठे बोलता रहता है, ऐसा है। एक घंटा बोलने में, मैं भूल रहा हूँ कितने किलोमीटर चलने जितना श्रम होता है एक घंटा बोलने में, बताया डॉक्टर ने बताया था कितने किलोमीटर का, तो वो इतने किलोमीटर चलने जितना श्रम होता है, तो इसका मतलब बोलने में ताकत लग रही है ना, वो वीर्यांतराय का क्षोभशम भी उसके साथ में जरूरी है। ऐसा करके जब आत्मा प्रेरित करता है तब भाषा वर्गना पुद्गल रूप से परिणम, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही तब भाषा वर्गना पुद्गल रूप से परिणमती है। इसलिए द्रव्य वाक्य भी पुद्गलात्मक है, जो पुद्गल ही शब्द रूप से परिणम रहे हैं, इसलिए द्रव्य वचन तो पौद्गलिक है ही। एक और तर्क देते उसके साथ, श्रोत्रेंद्रीय विषयत्वात्, श्रोत्रेंद्रीय का विषय है तो श्रोत्रेंद्रीय का विषय होने से पुद्गल कैसे हुआ। दूसरे अध्याय में इंद्रिय और इंद्रियों के विषय बता दिए ना, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द तदर्था, तो ये उसके विषय हैं और ये पुद्गल के गुण हैं, इसलिए वे द्रव्य वचन पौद्गलिक है। इतर इंद्रिय विषया कस्मान न भवति, द्रव्य वचन जो है और इंद्रियों के विषय क्यों नहीं होते हैं, और इंद्रियों से क्यों नहीं ग्रहण किए जाते। तद ग्रहण अयोग्यत्वात्, क्योंकि स्रोत इंद्रिय के अलावा बाकी के इंद्रियों में शब्दों के द्रव्य वचनों के ग्रहण करने की योग्यता ही नहीं है। घ्राण ग्राही गंध द्रव्य रसाद्य अनुपलब्धिवत, जैसे घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय क्या है, गंध द्रव्य को ग्रहण करने की योग्यता रखता है, गंध को ग्रहण कर सकता है, ऐसे घ्राणेन्द्रिय से रसादि अनुपलब्धि, रसादि नहीं चखे जा सकते हैं, रस का चखना नहीं होगा, तो जैसे वो एक दूसरे के विषय को नहीं जानते ऐसे श्रोत्रेंद्रिय से ही शब्द द्रव्य वचन सुने जाएंगे, विषय होगा। श्रोत्रेंद्रिय अपने आप में पुद्गल है इसलिए उसके विषय जो है वो भी पुद्गलात्मक कहलाएंगे। अमूर्ता वाग इति चेत, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, वचन को अमूर्तिक माना जाए तो क्या दिक्कत है, वचन अमूर्ति कहाँ दिखाई देते हैं बताओ, मैं बोल रहा हूँ आपके पास तक पहुँच रहे वचन दिख रहे हैं क्या, तो नहीं दिख रहे तो अमूर्तिक होने चाहिए ना कि न। मूर्तिमत ग्रहण अवरोध व्याघात अभिभवादि दर्शनात् मूर्तिमत्व सिद्धे, मूर्तिमान के द्वारा वे ग्रहण होते हैं, अवरोध रोके जा सकते हैं और व्याघात नष्ट किए जा सकते हैं, अभिभव उनको दबाया जा सकता है, ये सब देखे जाते हैं इसलिए वो मूर्तिक हैं। तो मूर्तिमान के द्वारा ही रोके जा रहे हैं, सभी कार्य हो रहे हैं इसलिए ये वो भी मूर्तिक है बात सिद्ध होती है। इसमें ग्रहण का जो अर्थ किया है हिंदी में, मूर्तिमत ग्रहण, मूर्तिमान के द्वारा ग्रहण, इसका क्या अर्थ किया, किसके द्वारा ग्रहण होता है, हिंदी देखो कहाँ है, मूर्त इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, और अवरोध मूर्ति किसके द्वारा अवरोध होता है, भीत आदि, माने ये दीवाल आ गई तो दीवाल के उस तरफ आवाज नहीं जाएगी, रुक जाते हैं, और फिर तीसरा प्रतिघात, प्रतिकूल वायु इत्यादि होगी, माने हवा उधर से चल रही तो हमारी आवाज उधर नहीं जाएगी बल्कि उस तरफ चली जाएगी, और अभिभव माने दब जाना, अन्य कारणों से उनका अभिभव देखा जाता है। इसमें ग्रहण शब्द पर मैं कहना चाहता था मूर्तिमत ग्रहण, ये तो इंद्रिय से जानने की अपेक्षा ग्रहण कहा, लेकिन आजकल जैसे टेप करके भी उसे पकड़ लेते हैं ये भी एक प्रकार से ग्रहण ही है ना उसका, तो वो उसमें जो ग्रहण किया गया वो मूर्तिक में ही ग्रहण हुआ उसका, तो इस दृष्टि से भी अपन ग्रहण कह सकते हैं उसे, तो मूर्तिक से ग्रहण होने के कारण से वह अभी मूर्तिक है, पौद्गलिक ही बात सिद्ध होती है। ये वचन की चर्चा पूरी होगी, और वचन जो है वो पौद्गलिक है और जीव के प्रति उपकारी है, ये बात कह दी। कौन कौन
हाँ हाँ वो हाँ नहीं नहीं वे बोलते हैं ना, बोलते हैं, अपन नहीं समझते उनकी भाषा, वे भी बोल रहे हैं और उनकी जैसी जितनी आवाज़ निकल रही है ना वो आवाज़ भी कहना चाहिए इसके कारण से। वीर्यांतराय मतिश्रुति अनावरण का क्षोभसम ये सब उनके अंगोपांग उतनी रचना है। कौन कौन से हैं ऐसे है? संगी पंचेंद्री कौन आने वाले पशु 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 पक्षी की बात है ना। कुत्ता भोंकता है और उसके भोंकने भोंकने में अंतर होता है कि नहीं होता है। हाँ वो एक समझ लिया अलग विशेषता है, वो उस प्रकार से अंगोपांग की रचना उनकी नहीं है। अंगोपांग की रचना भी नहीं है और मेरे ख्याल से उस प्रकार का ज्ञानावरण आदि का क्षोभसम भी वैसा नहीं है। ज्ञानावरण आदि का क्षोभसम भी वैसा नहीं है उनका, ज्ञानावरण के क्षोभसम की भी कमी है उस प्रकार के उनके, और इसीलिए वे शब्द उस प्रकार बोल नहीं पाते हैं तो शब्द उस प्रकार से सीधे समझ भी नहीं पाते हैं। हमारे ऐसे शब्द सीधे नहीं समझ पाते हैं, वो तो सबौ शरण की विशेषता है कि वहाँ पशु पक्षी भी समझ लेते हैं तो अतिशय है वहाँ, लेकिन बाकी हम ऐसा कहते हैं तो नहीं समझ, इतने नहीं समझ पाते, उसके बावजूद भी ग्रहण तो कर लेते हैं। जिसका जो नाम उनके भी नाम रखे जाते हैं और उनको नाम से बुलाते हैं तो खुश होते हैं बराबर। गाय गाय इत्यादि को भी उनके नामों से बुलाते हैं तो समझ जाते हैं, इतनी भी आती है, लेकिन सभी शब्दों को समझे इतनी क्षोभसम भी नहीं है उस प्रकार का, वो क्षोभसम की कमी भी कह सकते हैं उनके। मन की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मनो द्विविधम द्रव्य मनो भाव मनश्चेति, मन भी इसी प्रकार दो प्रकार का, द्रव्य मन और भाव मन। यहाँ भाव मन को भी उसी प्रकार पौद्गलिक सिद्ध कर रहे हैं। भाव मन तावत लब्धिप योग लक्षणम पौद्गलावलंबनत्वात् पौद्गलिकम, लब्धि उपयोगात्मक द्रव्येंद्रिय जैसे हैं भावेंद्रिय, लब्धि उपयोग भावेंद्रिय, मन भी तो एक अनिंद्रिय रूप से इंद्रिय ही है तो उसके साथ भी उस प्रकार का लब्धि और उपयोग है। मैं क्या सोचूं, क्या सोचने की योग्यता और वर्तमान में किस विषय पर सोच रहा हूं उपयोग के रूप में, तो लब्धि और उपयोग, और लब्धि उपयोग जो मिला हुआ है वो कर्म के उदय के अनुसार है, क्षोभसम के अनुसार है, क्षोभसम ही तो लब्धि उपयोग दोनों, इसलिए वो भी पुद्गल के रूप में हुए। तो इस तरह पुद्गल का अवलंबन होने से भाव मन भी पौद्गलिक है, ये सैद्धांतिक चर्चा है। जब सैद्धांतिक चर्चा में इस तरह भाव वचन भाव मन को पौद्गलिक कह रहे हैं तो फिर अध्यात्म में कर्म के उदय से होने वाले रागादि भावों को पौद्गलिक कह दिया जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है, उनको पौद्गलिक कहते हैं। द्रव्य मनश्च, ऊपर भाव वचन पर क्षोभसम आदि घटित किया था, यहाँ द्रव्य मन पे ये सब घटित कर रहे हैं। द्रव्य मनश्च ज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षोभसम अंगोपांग नाम लाभ प्रत्यया गुणदोष विचार स्मरणादि प्रणिधानाभिमुखस्य आत्मनो अनुग्राहका पुद्गला मनस्त्वेन परिणता इति पौद्गलिका पौद्गलिकम। द्रव्यमन पौद्गलिक क्यों है, वो भावमन से प्रेरित हो करके, भावमन से जब प्रेरित होते हैं और भावमन से प्रेरित हो करके विचार करने लगते हैं तब मैं देखना चाहता हूँ तो आंखें फेर करके देखता हूँ, तो जैसे ये चक्षुरिंद्रिय सहायक बनती हैं, ऐसा जब मैं सोचना चाहता हूँ सोचता हूँ तब मन उस प्रकार से निमित्त बनता है और वो द्रव्य मन निमित्त बनता है। तो द्रव्य मन तो पौद्गलिक है, तो वास्तव में जो पहली यहाँ बाकी चर्चा की है वो भाव मन की है। ज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षोभसम अंगोपांग, ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षोभसम और अंगोपांग नाम लाभ प्रत्यय, अंगोपांग से क्या होगा, अंगोपांग नाम कर्म से क्या होगा, ये द्रव्य मन की रचना होगी तो उस अंगोपांग नाम के निमित्त से गुण दोष विचार स्मरणादि प्रणिधान अभिमुखे न, क्या करने लगे, गुण दोषों का विचार करने लगे, स्मरण करने लगे इत्यादि के लिए हमारा जो अभिमुख आत्मा है
उसके अनुग्राहक माने उसे सहायता करने वाले, उपकार करने वाले पुद्गला, जो एक तो मनोवर्गणा जो उस मन के रूप में परिणमित हुई है, वह मन बने से परिणत होती है, इसलिए वह भी पौद्गलिक है। द्रव्य मन को पौद्गलिक सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट ही है, लेकिन कार्य कब करती है? जब भाव मन से प्रेरित होती है तब। कश्चिद आह, यहां भी पुनः प्रश्न किया, मनो द्रव्यांतरम रूपादि परिणाम रहितम अणुमात्रम तस्य पौद्गलिकत्वम अयुक्तम। कहते आप मन को पौद्गलिक नहीं कह सकते हो, वो एक अलग ही द्रव्य है, स्वतंत्र। नौ पदार्थ माने ना सांख्यों ने, तो उसमें मन भी शामिल है, पृथ्वी, अप, तेज और वायु, आकाश, दिशा, मन, आत्मा और काल, सभी जो नौ लिए पदार्थ, तो उसमें मन नाम का एक स्वतंत्र पदार्थ है। कश्चिदा कोई कहता है, इसमें सांख्य कहते हैं मनोद्रव्यांतरम, मन अलग से ही द्रव्य है, रूपादि परिणाम रहितम, ये रूपादि से पौद्गलिक नहीं है, अरूपी है, और अणुमात्रम अणु के बराबर है, तस्य पौद्गलिकत्वम अयुक्तम, उसे पौद्गलिक कहना ठीक नहीं है, तद अयुक्तम, प्रश्नकार का ऐसा कहना अयोग्य है। कथम, कैसे अयोग्य है? उच्यते तद इंद्रियेण आत्मना च संबद्धम वा स्यात् असंबद्धम वा, जिस अमूर्तिक अनुमात्र ऐसे मन की आप बात कर रहे हो, वह इंद्रिय और आत्मा से संबद्ध जुड़ा हुआ है कि असंबद्ध है, उसे संबद्ध है या असंबद्ध है, दोनों बातों में खंडन करेंगे। यदि असंबद्धम तन्न आत्मना उपकारकम भवितुम अर्हति, इंद्रियस्य च साचिव्यम न करोति, यदि बिल्कुल असंबद्ध है, वो कहीं मुझे विचार करना है मेरा मन और कहीं और है, वो पहले जैसा थोड़ी जादूगरों जैसा, वो उनका उनकी जान कहाँ रहती थी, किसी तोते में और कहीं रहती थी ना, ऐसा मैं यहाँ बैठा और मन कहीं और हो, यदि असंबद्ध होगा तो कह रहे वो आत्मा के लिए उपकारक नहीं हो सकता, आत्मना उपकारकम भवितुम न रहती, और इंद्रियस्य साचिव्यम न करोती, इंद्रियों के लिए साचिव्य माने सचिवपना माने सहयोग नहीं कर सकता है, इसलिए अध्यक्ष और सचिव होते हैं, अध्यक्ष और दूसरे सचिव, तो क्या है सचिव माने, अध्यक्ष है मूल अध्यक्ष और सचिव माने उसके सहायक सहयोगी है, तो इंद्रियों के लिए मन यदि दूसरे दूर होगा ना तो सहायता नहीं कर सकेगा, अभी मुझे आँखों से देखना है, देखना चाहता हूँ, तो मन और आँखों का ऐसा संबंध हो तो जुड़े हुए होंगे तो हो सकते हैं, असंबद्ध हो गए तो ये संभव नहीं है। अथ संबद्धम, आप कहते नहीं संबद्ध है, जुड़े ही है, तो एकस्मिन प्रदेशे संबद्धम सत तद अणु इतरेषु प्रदेशेषु उपकारम न कुर्यात्, तो आप उसे अणुमात्र मानते हो, तो अणुमात्र तो एक प्रदेश में रहेगा ना, और एक प्रदेश में रहेगा तो उसी प्रदेश में वह कार्य कर सकेगा, बाकी प्रदेशों में उसका उपकार नहीं हो सकेगा, तो पूरे आत्मा के लिए वो कार्यकारी नहीं हो पाएगा, और इंद्रियों के साथ भी मन का संबंध रहता है तो वो भी नहीं बन पाएगा, उसके लिए वो बचने के लिए कहते हैं अदृष्टवशात अस्य अलात चक्रवत परिभ्रमणम। एक अदृष्ट नाम का इसका एक सामर्थ्य है, अदृष्ट, वैसे तो अदृष्ट अधिकतर भाग्य के लिए प्रयोग करते हैं, पुण्य पाप के लिए प्रयोग करते हैं, कहते उनके पास एक ऐसा सामर्थ्य, अदृष्ट सामर्थ्य है, हम बता नहीं सकते कैसा है, और उसके कारण से अलात चक्रवत, अलात चक्र कुमार का चक्री है क्या, अलात शब्द डिक्शनरी में भी देखा संस्कृत के, अलात शब्द वहाँ नहीं मिला मुझे, तो अपन तो कुमार की चक्र की तरह ही समझे, वो जैसे घूमता रहता है ना, घुमा दिया तो तेजी से घूमता रहता है, ऐसे ही भले ही अणु जितना परमाणु, अणु जितना ही मन है, लेकिन वो ऐसे घूमता रहता है, तो घूमता रहता है तो सब जगह वो काम कर लेता है, तो और वो किसके कारण से घूमता है, वो अदृष्ट के कारण से।
ऐसा यदि वह सांख्य कहे भी तो कहते न, उनका ये कहना भी ठीक नहीं है। तत् सामर्थ्या भावात, फिर भी उसका ये सामर्थ्य कहते हैं अदृष्ट के कारण से ऐसा घूमेगा मन और फिर ये ऐसा कार्य कर लेगा, ऐसा सामर्थ्य उसमें हो ही नहीं सकता है। अमूर्तस्य आत्मनो निष्क्रियस्य अदृष्टो गुणाः स निष्क्रियासन अन्यत्र क्रियारंभे न समर्था। आत्मा अमूर्त, उसका जो अदृष्ट होगा वो भी अमूर्त होगा, तो अमूर्त आत्मा निष्क्रिय होने के कारण से उसका जो आत्मा को निष्क्रिय मानते हैं इसलिए उसका अदृष्ट नाम का गुण भी निष्क्रिय होगा और निष्क्रिय होते हुए अन्य को क्रिया कराने में समर्थ नहीं हो सकता, वो दूसरे को सक्रिय नहीं करा सकता है। इसके लिए भी उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टो ही वायु द्रव्य विशेषः क्रियावान स्पर्शवान प्राप्त वनस्पतो परिस्पंद हेतुः तद विपरीत लक्षणश्च अयम इति क्रिया हेतुत्व अभावः। वायु जो है वनस्पति को हिलाती है, पेड़ पौधे हिलने लगे तो समझते कि हवा चलने लगी, तो हवा उसे चलाती है तो स्वयं क्रियाशील है तब जाकर के उसे हिलाती है, क्रियाशील है वहाँ जाकर के उनको स्पर्श करती है तब उनको हिलाती है, इसलिए वह सक्रिय है तब वह कार्य के लिए कारण बनी। लेकिन आपका आत्मा उसका अदृष्ट ये सब अमूर्तिक है निष्क्रिय है तो फिर ये अला चक्र की तरह घूमे सब जगह और फिर वो सब जगह काम करे ये ऐसा संभव नहीं है। माने अदृष्ट उसके क्रियाशील करे और क्रियाशील करके पूरे में वो उपयोगी बना दे मन को, ये संभव नहीं है। इसलिए मन चाहे द्रव्य मन हो चाहे भाव मन हो पौद्गलिक ही है और पुद्गल की रचना है, पुद्गल के उदय से जीव में ऐसी योग्यता होती है, इसलिए पुद्गल का जीव के प्रति उपकार के रूप में कहा जा रहा है। हाँ हाँ वो ये तो क्षोभशम ले ही रहे ना, लेकिन अभी चूंकि पुद्गल का जीव के प्रति उपकार बताना है ना, तो कर्म के क्षोभ से हुआ इसलिए उसको पौद्गलिक कह करके पुद्गल के उपकार के रूप में लेना चाहते हैं। लेकिन सांख्य जैसा मन को स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं वैसा स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। अब दो और रह गए इसमें, प्राणापाना है ना, क्यों शरीर वांग बना हो गए, प्राणापाना प्राण और अपान अलग अलग लिए हैं उसकी चर्चा करते हैं। वीर्यांतराय ज्ञानावरण क्षोभशम अंगोपांग नाम उदय अपेक्षिन आत्मना उदस्यमाना कोष्ठ्यो वायु उच्छ्वास लक्षणा प्राण इति उच्चते। प्राण किसे कहते हैं, उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास बोलते हैं ना अपन, श्वास और उच्छ्वास, श्वास किसे कहते हैं अंदर लेने वाले, उसको यहाँ पर अपान ले रहे हैं और फिर छोड़ने को प्राण कह रहे हैं यहाँ पर, वो उच्छ्वास के रूप में। और उच्छ्वास का लक्षण क्या बना रहे हैं आप, इसमें भी क्या जोड़ रहे हैं, वीर्यांतराय ज्ञानावरण क्षोभशम, माने वीर्यांतराय भी चाहिए ज्ञानावरण का क्षोभशम भी चाहिए श्वासोच्छ्वास लेने के लिए, श्वासोच्छ्वास में भी ये जरूरी है, तो ज्ञानावरण की क्षोभशम की कहाँ जरूरत है। ए इसके आधार से कह रहे जीवित पने की सिद्धि करते हैं प्राणापान के आधार से, तो अकेले इससे हो जाएगा क्या, कि लो सांस चल रही है तो उधर ज्ञानावरण आदि का भी क्षोभशम निश्चित है, एकेंद्रीय के भी श्वासोच्छ्वास चल रहा है एकेंद्रीय के भी, अब एकेंद्रीय का जो चल रहा है उसके उतना क्षोभशम है ज्ञानावरण का तब तो एकेंद्रीय है और साथ में उस प्रकार के अंगोपांग की रचना है। हाँ श्वासोच्छ्वास है ना उसमें, अब वो उसी के अंतर्गत शरीर की कोई ऐसी विशिष्ट रचना जिसके कारण से लेता है, वो विज्ञान भी कहता है ना कि ऑक्सीजन वेग भी ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ये उसका प्राण हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका अपान हो गया, प्राणापान चलता रहता है, लेकिन उसके पीछे वीर्यांतर और ज्ञानावरण का क्षोभशम भी और उस प्रकार का अंगोपांग भी, ये दोनों है। उस उदय की अपेक्षा से आत्मा के उदस्यमाना कोष्ठो वायु, कोष्ठ की वायु जो उदस्यमान बाहर निकलते हैं उच्छ्वास कहलाती है और ये उच्छ्वास ही लक्षण है प्राण का, प्राण इति उच्चते।
तेनैव आत्मना बाह्यो वायु अभ्यंतरी क्रियमाणो निश्वास लक्षणो अपान इति आख्यायते। और तेनैव कह करके वो फिर लगाया वीर्यांतराय ज्ञानावरण क्षोपशम अंगोपांग इन्हीं के निमित्त से बाहर की वायु अंदर लेना अभ्यंतर क्रियमाणो, इसे निश्वास कहते हैं। अब उच्छ्वास कह रहे हैं, वो निश्वास कह रहे हैं उसे निश्वास, इसको अपान कह दिया इसमें। एवं तव अपि आत्मना अनुग्राहिनो जीवित हेतुत्वात्, यहाँ फिर से ये नहीं कह दिया, इस तरह से पुद्गल के उदय से हो रहे नहीं है सभी, इसलिए उनको भी पौद्गलिक समझना। ये भी आत्मा के उपकारी है जीवित हेतुत्वात्, इसी के कारण से जीवित कहलाता है। यद्यपि 10 प्राणों से जीता ये कहते हैं, लेकिन 10 प्राणों में से निर्णय किससे करते हैं, इसी प्राणापान से ही करते हैं। प्राणापान श्वासोच्छ्वास के लिए भी दीपक जी ने कहा था, ये अपन ऐसा ऐसा ले रहे यही तात्पर्य नहीं है, ये नाड़ी में भी हमारा जो चल रहा है ना वो भी श्वासोच्छ्वास के रूप में है, तो वो भी सब उसी कारण से हो रहा है। तेषाम मन प्राण, ये चर्चा सबकी परिभाषाओं की चर्चा हो गई पूरी, अब सामान्य बात करते हैं। तेषाम मन प्राणापानानाम मूर्तिकत्वम अवसेयम, ये सभी मन और प्राणापान, ये पीछे वचन का पौद्गलिकपना सिद्ध कर दिया था, मन और प्राणापान का पौद्गलिकपना एक साथ सिद्ध कर रहे हैं। मन और प्राणापान मूर्ति की ही समझना चाहिए, कुतः क्यों मूर्ति मद भी प्रतिघातादि दर्शनात्, क्योंकि मूर्तिमान द्रव्यों से इनका प्रतिघात होता है, नष्ट होते हैं रुक जाते हैं, इसलिए प्रति भय हेतु भी अशनी पातादि भीर मनसा प्रतिघातो दृश्यते, भय से एकदम से अचानक तो सोचने की शक्ति एकदम रुक जाती है ना, कुछ नहीं सोच, एकदम अचानक कोई भय का कारण बन जाए तो डर करके कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं रहती है। तो भय से कहा उसका क्या है भय का कारण, अशनीपात, अशनीपात माने बिजली गिरी, तो एकदम से कड़ाके से बिजली गिरी, तो बिजली गिरी एकदम से डर गया तो सोचने की शक्ति उस समय प्रतिघातित हो गई, तो मन का प्रतिघात देखा जाता है। सुरादि भिश्च अभिभाव, और शराब पी ले तो ढक जाती है, फिर वो सोच नहीं सकता, अच्छी तरह से नहीं सोच पाता है। हस्ततल पटादि भीर अस्य संवरणात् प्राणापानयो प्रतिघाता उपलभ्यते, और हस्ततल से और पटादि माने वस्त्र से अस्य संवरणात् इसको ढाक दिया जाए तो प्राणापानयो प्रतिघाता, श्वासोच्छ्वास मुंह दबा दिया किसी का या कपड़ा ठूस दिया तो फिर श्वासोच्छ्वास रुक जाती है, उसका प्रतिघात हो जाता है। श्लेष्मणा च अभिभवा, और श्लेष्मणा माने कप से, कप नाक बहुत कप हो गया हो तो सांस अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं ना, तो रुक जाती है सांस, बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं, तो ये मूर्तिमान से इनका एक तो रुकावट हुई या घात हो गया, इसलिए वो मूर्तिक है। न च अमूर्तस्य मूर्तिमद् भीर अभिघाता दयाः स्युः, यदि अमूर्तिक होता तो मूर्तिमान से उनका घात इत्यादि नहीं हो सकता था। अतएव आत्म अस्तित्व सिद्धि, ये वाक्य से स्पष्ट ख्याल में नहीं आ रहा है, ये सब चर्चा की उनको पौद्गलिक सिद्ध कर दिया, और पौद्गलिक सिद्ध करने के बाद कह रहे हैं अतएव आत्म अस्तित्व सिद्धि, इसलिए आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है। ये प्राणापाना से इसको जोड़ सकते हैं, ये प्राणापान है इसमें, जब तक श्वासोच्छ्वास चल रही है तब तक उसमें जीव है आत्मा है, इसकी अस्तित्व की सिद्धि होती है, क्योंकि वो ज्ञानावरण आदि का क्षोपशम से उसका जुड़ा नहीं है, और यदि रुक गया तो ज्ञानावरण आदि क्षोपशम भी उसका समाप्त हो गया, ये ख्याल में आएगा, इसलिए कह रहे ये उससे आत्मा की सिद्धि होती है। इनसे आत्मा की सिद्धि कैसे हो रही है, इसको दृष्टांत भी दे रहे हैं, इनके माध्यम से आत्मा की सिद्धि कैसे हो रही है, श्वासोच्छ्वास चल रही है और ये तो पौद्गलिक है, फिर आत्मा की सिद्धि कैसे हो रही है इससे। यथा यंत्र प्रमित आचेष्टितम प्रयोक्तुः अस्तित्वम गमयति,
यंत्र प्रतिमा चेष्टितम, कोई यंत्र यंत्र से बनी हुई या प्रतिमा है तो प्रतिमा तो जड़ है। कोई कभी कभी प्रदर्शनी ऐसी होती ना, चल प्रदर्शनी, तो चल प्रदर्शनी में ये हाथ पैर ऐसे चला रहे हैं, कोई तीर चला रहा है तो हाथ ऐसा ऐसा होता हुआ दिखा देते हैं। हाँ क्या वो तो रोबोट वाले वगैरह हो गए आजकल। हाँ हाँ, लेकिन ये जो कोई प्रतिमा ऐसी बना, हाँ प्रतिमा ही है वो भी एक तरह की। अब वो जो सब छलन चलन करे ना, उसकी चेष्टा हो रही है, वो प्रतिमा की चेष्टाएं किससे हो रही है? वो यंत्र से, यंत्र प्रतिमा, वो यंत्र प्रतिमा ही है, बराबर है। रोबोट बना तो यांत्रिक ही है वो, या फिर किसी प्रतिमा में यंत्र फिट कर दिया तो हाथ वगैरह चलाता हुआ दिखाई देता है। तो कह रहे वो जो उसकी चेष्टाएं दिख रही है तो कोई ना कोई इसका प्रयोग कराने वाला है ये बताता है। यंत्र उसमें लगा हुआ है, प्रयोगता है उसका ये बताता है। जैसे वो रहट चलती है ना, तो रहट वहाँ चल रही है तो बैल घूम रहे हैं, इसको बताते हैं ना। बैल रुक जाए तो रहट रुकेगी, ऐसे ही यंत्र जो प्रतिमा चल रही है तो उसको चलाने वाला कोई ना कोई है। ऐसे ही प्राणापानादि कर्मापि क्रियावंतम आत्मानम साधयति, तो प्राणापान भी कौन खींच रहा, कौन ले रहा है? ये आत्मा अंदर है, वीर्यांतराय के क्षोभशम से, उसकी ताकत से, तो इन क्रियाओं से अंदर आत्मा है ये सिद्धि होती है। तो लोक में भी ये जीवित है कि नहीं, इसी आधार से सिद्ध करते हैं। फिर इस तरह ये भी एक तरह से पुद्गल का जीव के प्रति उपकार है, यहाँ जीव है कि नहीं ये निर्णय उससे हो रहा है, और पौद्गलिक प्राणापान है उससे निर्णय कर रहे हैं, इसको भी उसमें शामिल कर सकते हैं। किम एतावान एव पुद्गल कृत उपकारा आहोस्विद अन्योपि अस्ति, क्या बस इतने ही पुद्गल के उपकार है क्या? पुद्गल तो अनंतानंद थे लोक में, तो इतने ही उपकार हुए क्या कि आहोस्विद अन्योपि अस्ति? आहोस्विद माने अथवा, अथवा और भी कोई उपकार है क्या उसके? उसके लिए बताते हैं 20वां सूत्र, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख की व्याख्या कर रहे हैं एक साथ, सत असत वेद्योदय अंतरंग हेतो सति, बाह्य द्रव्यादि परिपाक निमित्त वशात उत्पद्यमानः, प्रीति परिताप रूपः परिणामः, सुख दुःखम इति आख्यायते। अब आपको उसमें से दोनों की परिभाषाएं निकालनी है। सुख की परिभाषा क्या निकालेंगे, दुख की परिभाषा क्या निकालेंगे? निकालो उसमें से। सदवेद्योदय, साता वेदनी के उदय के क्या होने पर, अंतरंग हेतु, अंतरंग हेतु होगा साता उदय, साता वेदनी का उदय अंतरंग हेतु होने पर, और बाह्य द्रव्यादि परिपाक निमित्त वशात, और उसी के अनुकूल भी बाह्य द्रव्यों का संयोग बने, तब उत्पद्यमान प्रीति रूप परिणाम, तो उत्पन्न होने वाला प्रीति रूप, अच्छा लगना अनुकूल वेदनीयम, वो तो हो जाएगा सुखम, और असाता वेदनी के अंतरंग हेतु होने पर उसी के अनुकूल बाह्य द्रव्यों का मिलना हो जाए, और तब उत्पन्न होने वाला परिताप रूप जो परिणाम है वो कहलाएगा दुखम इति आख्यायते। ये हो गया सुख दुख की व्याख्या हो गई पहले। अब जीवित मरण की, भव धारण कारण आयुराख्य कर्मोदयात भवस्थितिम आदधानस्य जीवस्य पूर्वोक्त प्राणापान क्रिया विशेष अव्युच्छेदो जीवितम इति उच्यते। जो भी जिसने भव धारण किया उसका कारण क्या? हम मनुष्य है, क्यों मनुष्य है? कि मनुष्य आयु कर्म का उदय है इसलिए मनुष्य है। तो वो जो आयु नाम का कर्म है तो उस आयु नामक कर्म के उदय से भवस्थितिम आददानस्य, जो भी भवस्थिति धारण किए हुए हैं ऐसे जीव के पूर्वोक्त प्राणापान क्रिया विशेष, पिछले सूत्र में जो प्राणापान कहे उन क्रिया विशेषों का अविच्छेद, विच्छेद नहीं होना, नहीं टूटना, जिसकी सांसें टूट गई कहते हैं ना, तो सांस न टूटे, अविच्छेद रहे, खंडित ना हो, श्वासोच्छ्वास बराबर चलता रहे, तो
तो वही कहे जीवितम, जो इसके हो गए वो जीवित कहलाता है, जो सांस चल रही वो जीवित है, लेकिन किसके कारण से, कब तक चलेगी सांस। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, खिलौना कितना चल रहा है, जितनी चाबी भरी हुई है, चाबी खत्म हो गई तो हमारी भी ये भाव स्थिति, मनुष्य भाव भी धारण किए हुए हैं, ये कब तक चलेगा, ये श्वासोच्छ्वास भी कब तक चलने वाला है, कब तक चलेगा, आयु कर्म है तब तक, तो आयु कर्म के अनुसार इसमें स्थिति है, और इस कारण से उसके साथ साथ में श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं तो उसके ताकत भी चाहिए, वीर्यांतराय क्षोभ वो सब चाहिए उसके साथ में, लेकिन आयु खत्म हो गई तो ये सब रुक जाएगा अपने आप तत्काल, ये रुकेगा क्या, उसमें जो जीव है वही वहाँ से देह से देहांतर कर जाएगा, वहाँ से चले ही जाएगा, तो प्राणापान कहाँ होने वाला है। वो तो आपको दिखा रहे हैं ना, कृत्रिम ही तो कर रहे हैं वे, अरे आपके शरीर एक तो मॉडल बना के रखो और मॉडल में भी ऐसे हवा करते जाओ तो मॉडल में भी चलता हुआ तो दिखेगा ना, उसके फेफड़े ऐसा होते हुए दिखाई देंगे, ऐसे ये भी फेफड़े चलते हुए दिखाई देंगे, वैसे आयु खत्म हुई, तुम्हारा नौ क्या, और आयु खत्म नहीं हुई हो किसी की और आपको सब बिल्कुल बंद दिखे, ये सांस नहीं चल रही, कभी कभी नाड़ी पकड़ में नहीं आए और आयु है अभी, फिर वो मरता नहीं है, वेंटिलेटर को जरूरत नहीं है, वो फिर जीवित हो जाता है, बहुत से तो स्मशान में और वहाँ तक जा कर के आ जाते हैं ना, बहुत आ जाते हैं ऐसे, ये अशोक नगर में बड़ी भाई जानती है बाबूलाल जी शायद भजन सागर बोलते हैं क्या है वे, बाबूलाल जी बहुत भजन बोलते हैं वहाँ, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, बिल्कुल सब तैयारी है, वहाँ से स्मशान तक पहुँचे और उसके बाद से उन्होंने अब आए, उसके बाद बोले अब सब बंद, घर गृहस्थी सबसे कोई अब गए, वो तो गया ही था ना, बचे ही कहाँ था, अब बोले बस अब धर्म ध्यान ही करना है, पहले बाहर बहुत घूमते थे, सब बंद, अपने वहीं रहते हैं, धर्म धाराधना अब है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन उनके साथ भी ऐसा हुआ, और इसीलिए जो कुछ पद्धतियां होती है ना, ये जब बिल्कुल स्मशान के पास पहुंच गए लेकर के और वहां रखने के बाद फिर से एक बार मुंह धुलाते हैं, परिवार वालों को पूरी परिक्रमा कराते हैं और फिर उसको एक बार और मुंह धुलाते हैं, अच्छी तरह देख लो, पक्का करो, हाँ एक बार और कहीं और थोड़ा बहुत तो नहीं हो तो, और यदि कदाचित हो तो जागृत हो जावे, इसके लिए आयु के साथ इसका संबंध है सबका, तो उस आयु के अनुसार प्राणापान का चलते रहना, उच्छेद नहीं होना जीवित कहलाता है, तद उच्छेद मरणम, और यदि ये उच्छेद हो जाए, यहाँ आयुकरण के उदय से कहा तो आयु का क्षय हो गया, प्राणापान रुक गया तो मरण कहलाता है, आयु कर्म का उदय वह भी पुद्गल और प्राणापान का चलना ये भी पुद्गल, उससे जीवित कहा जा रहा है, इसलिए जीवन भी पुद्गल कहलाया और मरण भी पुद्गल का है, एतानी हो गया सुख दुख जीवित मरण चारों हो गए, एतानी सुखादीनी जीवस्य पुद्गल कृत उपकार, ये पुद्गल के द्वारा जीव पर किए गए उपकार है, मूर्तिमत हेतु सन्निधाने सती तद उत्पत्ते, क्योंकि पौद्गलिक क्यों है वे, क्योंकि मूर्तिमान के निमित्त से वे होते हैं, इसलिए उनको भी पौद्गलिक कहा, उपकार अधिकारात उपग्रह वचनम अनर्थकम, सूत्र में सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, तो ये तो प्रकरण उपकार का चल ही रहा है ना, तो उपग्रह शब्द फिर से क्यों लगाया, ये जरूरत नहीं थी इसकी, कितना अनर्थकम, निरर्थक नहीं है सार्थक है, सोपग्रह प्रदर्शनार्थम इदम, इसमें स्वयं का उपकार भी दिखाना है, क्या दिखाना है, पुद्गलानाम पुद्गलकृत उपकारः इति, यहाँ विचित्र बात ली है, पुद्गलानाम पुद्गलकृत उपकारः, ये तो जीव
पुद्गल ने जीवों के प्रति क्या क्या उपकार किए दो सूत्र में बता दिए। तो पुद्गल के जीव के प्रति उपकार है कि पुद्गल के प्रति भी कुछ उपकार है कि नहीं, तो उपग्रह शब्द से पुद्गल के प्रति भी उपकार है ये बताना चाहते हैं। च शब्द किमर्था नहीं वो उपकार ही बता रहे क्या होते, जैसे तद्यथा कांस्यादीनाम भस्मादिभिर जलादीनाम कतकादिभिर अयह प्रवृत्ति नाम उदकादिभिर उपकारा क्रियते, ये बता दिए पुद्गल परस्पर में। कांसे का भस्म से उपकार होता है, क्या उपकार होता है कांसे का, कांसे के पहले के जमाने में सब बर्तन राख से ही मांजे जाते थे ना, तो राख से मांजे तो चमक गया ना वो, कांसे का उपकार कर दिया। और जलादि भी जलादि नाम कतकादि भी पानी का कतक ने उपकार कर दिया, साफ कर दिया उसको। और अय प्रवृत्ति नाम उदकादि भी और लोहे का पानी से, अब क्या हुआ लोहे में जंग लगी, ये दोनों अच्छे हो गए थे ना, तो उपकार माने अच्छा ही नहीं समझे इसलिए बुरा भी बता दिया। पानी से लोहे पर जंग लगी तो पानी ने लोहे का उपकार कर दिया। तो ये पुद्गल के प्रति भी निमित्त नैमित्त एक संबंध रहता है। च शब्द किमर्था समुच्चयार्था, च शब्द से अकेला इतना ही नहीं समझना, ये तो कुछ बता दिए, बहुत सारे हैं। अन्योपि पुद्गल कृत उपकारो अस्ति इति समुच्चयते, ऐसे और भी बहुत पुद्गल के उपकार हैं। यथा शरीरानी एवं चक्षुरादिनी इंद्रियाणी अपि, शरीर की जैसे रचना हुई ना, तो एक शरीर सामान्य कह दिया था लेकिन आँख नाक कान इंद्रियां भी बनी हुई है ना, ये भी पुद्गल की हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य पुद्गल कृत हैं, ये बताने के लिए च शब्द का प्रयोग किया गया। उपकार के प्रकरण का अभी दो सूत्र और हैं, 21 और 22 दो सूत्र हैं। 21वें सूत्र में जीवों का जीवों के प्रति उपकार और 22वें सूत्र में काल द्रव्य के उपकार की बात करेंगे। इसकी चर्चा सुबह की कक्षा।